कि अस्सलाम वालेकुम, कल की ही जो हमारी वीडियो थी उस पर हमने ये बताया था, कुछ बच्चों के एग्जाम्पल बताए थे मैंने कि ये बच्चे हमारे कामयाब हैं। सिर्फ यही बच्चे हमारे कामयाब नहीं हैं, मैंने कहा था 95% बच्चे कामयाब हैं। उसके लिए लड़कियों का तबका मेरे पास बहुत है, लड़कियाँ आपस में देखा जाए सब के सब कामयाब हैं, वो सभी की सब जॉब करें, लेकिन बहुत लड़कियों शादियाँ हो गई हैं, घर बैठ गई हैं, तो लेकिन जो उनकी शादी नहीं हुई है वो सभी की सब प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रही हैं। कुछ बच्चों को तो हमने लड़कियों को हम बहुत सोच समझ रखवाते हैं ताकि जहाँ जाएँ, क्योंकि जहाँ भेज रहे हैं वहाँ तो हम जानते नहीं वो आदमी कैसा होगा, तो हम कहते हैं कि अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को दिखा दीजिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वो कैसा इंसान है, हम अपने विवेक से तो अच्छा भेज रहे हैं। तो लड़कियाँ बस काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, लड़के तो कहीं भी वो हाथ पैर मार मुर करके अपनी जॉब को उठा लेते हैं अपने हिसाब से। आज हम जो नई वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर ये बता रहे हैं एजुकेशन के मामले में, क्योंकि एजुकेशन जो हम लोग खाली कहते हैं शिक्षा शिक्षा, कंप्यूटर भी शिक्षा बोलते हैं, बीएड भी शिक्षा बोलते हैं, एलएलबी भी शिक्षा बोलते हैं, इसके अलावा बहुत सी बीओएमएस बीएमएस जो भी हम कहेंगे सब शिक्षा डिपार्टमेंट जोड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बीएड कोई शिक्षा नहीं होती है, हालांकि बैचलर ऑफ एजुकेशन का फुल फॉर्म होता है, लेकिन वो शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा अलग है, ये ट्रेनिंग कोर्स में आता है। ITI इज़ अ ट्रेनिंग कोर्सेस, पॉलिटेक्निक इज़ अ ट्रेनिंग कोर्सेस, कंप्यूटर इज़ अ ट्रेनिंग कोर्सेस, ओ लेवल ए लेवल PDCA कोर्सेस एक ट्रेनिंग कोर्सेस हमारे होते हैं। तो शिक्षा के दो अंग होते हैं, आप सबके लिए सिखा रहे हैं आपको, शिक्षा के दो अंग होते हैं, एक होता है एजुकेशन एकेडमी और एक होता है ट्रेनिंग। एकेडमी के अंतर्गत हम लोग का शैक्षिक योग्यता आती है, हाई स्कूल इंटर BA MA PhD तक ही आता है, लेकिन जो ये ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है LLB आता है, BPharma DPharma आता है हमारा, BOMS BMS आता है हमारा, LLB आता है, पॉलिटेक्निक आता है, ITI आता है, हम इतने नाम गिना भी नहीं पाएंगे। जितनी भी ट्रेनिंग आती है जिससे प्रैक्टिस होती है इसके अंदर है, तो वो होते हैं कोर्सेस ट्रेनिंग के अंतर्गत। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए कि गाड़ी को चलाना, फोर व्हीलर्स को चलाना, ये भी बहुत संस्थाएं बनी होती हैं कि जो ट्रेनिंग करवाती हैं कि हम गाड़ी को ट्रेन करना सिखाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ शिवम व्हीकल सिखाते हैं, ये पुलिस लाइन के पास में कहीं रहते हैं या कहीं बड़ी कैंट के पास कहीं रहते हैं तो ये करवाते हैं, पंडित जी हैं ये। तो आप कहें कि हम एजुकेशन देते हैं, तो ये एजुकेशन का दूसरा पार्ट देते हैं जिसका नाम होता है, ये ट्रेनिंग कोर्सेज में आता है। इसमें ये नहीं होता दो पेज राइटिंग कर लें हम और हम गाड़ी फोर व्हीलर्स को ड्राइव करना सीख जाएंगे। जैसे घोड़े को चलाना, घोड़ा कभी भी तेज़ चलता नहीं है, उसका जो हॉकी होता है वो अच्छा वेल ट्रेंड होता है। अब हम घोड़ा चलाना सीखना है, लाओ दो पेज राइटिंग ऐसे लिख लाएँ, घोड़े पर निबंध लिख लाएँ और हमें घोड़ा आ जाएगा, या साइकिल चलाना सीखना है, कार सीखना है, जहाज़ सीखना मुझे है, या पानी जहाज़ सीखना है, दो पेज राइटिंग कर ली जाए। हालांकि वो पढ़ा लिखा इंसान लिया जाता है, अब इसमें बनना है मुझे बनना है इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर का लैपटॉप मुझे रिपेयर करना है, मुझे AC ठीक करना है, पंखा ठीक करना है, दो पेज राइटिंग कर लें। अगर हम दो पेज राइटिंग भी नहीं करेंगे तो भी एक अच्छे इंजीनियर ट्रेनिंग होते हैं, हम लोग जितना अच्छा ट्रेंड होते हैं उतने अच्छे क्वालिफाइड हम लोग होते हैं, वेल ट्रेंड वेल क्वालिफाइड। ध्यान रखना, ट्रेनिंग की बात की जाए तो जो सर्कस का जो हाथी होता है वो वेल ट्रेंड होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तभी उसे कहते हैं भैया खट से बैठ जाओ, तो स्टूल पर जब वो जो शेर होता है या जो हाथी होता है वो स्टूल पर बैठ जाता है, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होता है, वेल एजुकेट नहीं होता है। वो शेर जो है या कुत्ता या बंदर जो वेल एजुकेटेड नहीं होता है, तो ये होता है वेल ट्रेंड होना। तो ट्रेंड अलग होता है, हम लोग यहाँ फिरदौस कंप्यूटर में ट्रेनिंग कोर्सेज ले रहे हैं और एकेडमी से नहीं, हम लोग एकेडमी को बीच में जोड़े हुए हैं। अब जोड़े कैसे हैं, क्यों लोग कहते हैं कंप्यूटर एकेडमी, ऐसे भी लोग लिखते हैं, उसका जवाब क्या है, कंप्यूटर किसने बनाया, इसके आविष्कारक कौन है, माउस किसने बनाया, इसके आविष्कारक कौन है, कीबोर्ड किसने बनाया, अब कीबोर्ड रन नहीं करवा रहा है, कीबोर्ड में ASTF की बात नहीं कर रहा है, किसने बनाया,
अब आगे हमको दो पेज राइटिंग कर लाओ, दो पेज राइटिंग तक ही मुश्किल लिख पाएंगे उसको हम। लेकिन जितना अच्छा हम ट्रेंड ASDF वो ट्रेनिंग में आ गया, टैली ट्रेनिंग में कोर्स, जितना अच्छा वेल ट्रेंड उतना अच्छा हम उसको ऑपरेट कर ले जाते हैं। फोटोशॉप, अगर हम वेल ट्रेंड नहीं है, एक बार खाली दो पेज राइटिंग कर लिया, अब फोटोशॉप से मुझे कट नहीं रहा है, फोटोज़ कट नहीं रहे हमसे, तो जितना अच्छा मेरे हाथ सेट हम लोग का होता है उतना अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रेनिंग में आता है। ट्रेनिंग की बात में कही जाए तो दुनिया की सबसे अच्छे और इतिहासकारों में और मतलब आविष्कारक में सबसे अच्छे हैं अल्बर्ट एडिसन हमारे हैं। इनके बारे में आप लोग सब लोग ये समझते होंगे कि इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बहुत शरारती थे। मैंने भी इसके बारे में पढ़ रखा है, आपने भी कहा कि उन्होंने उसका जो है कीड़े मकड़ों का लेप बनाया, ये तो सब जानते हैं हम, कहना क्या चाहते हैं, हम तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं बस। वो तो सब पढ़े बैठे हैं, हम क्यों उससे पुरानी बातें कर रहे हैं और क्यों आज उसको यहाँ पर लाएँ। काइंड इन्फॉर्मेशन, अल्बर्ट एडिसन जो थे वो मंद बुद्धि के थे, यानी पागल थे वो। अब पागल थे वो, वास्तव में पागल भी थे, ये हम लोग उतना जानते नहीं हैं। आप कहें कि यार पागल कह रहे हैं उनको, वो पागल थे। वो जब पैदा हुए थे तो वो सामान्य बच्चों तरीके से नहीं थे। अब यहाँ पर ये बात समझना इसको है, जो नई बात हम करने वाले हैं, कि वो पागल थे। अब पागल एजुकेशन से या ट्रेनिंग से कैसे होता है, मेरे पापी डैमो हम पहले वहाँ पहुँच जाएँ, जब डैमो बताएंगे वो नाम आज उसको लेंगे इसके ऊपर कि मैंने पागल को ठीक कैसे करा है। हम पहुँचने वाले तक के हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है। तो अल्बर्ट एडिसन पागल थे, वो प्रूफ यहाँ से कर रहे हैं कि जब वो स्कूल में दाखिल लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत करते थे, हिलते बहुत थे, बोलते बहुत थे। एक सामान्य बच्चा, जैसे हम लोग ने पढ़ रखा है कि दुनिया में लॉस किसका होता है, जो बहुत बोलते हैं। अभी अल्बर्ट के पास में ही हैं ताकि वो सिखा ले नई चीज़ को, क्योंकि बातों में ही बात निकल रही है कि जो बोलते बहुत हैं वो पागल कैसे होते हैं, अब सिखा रहे हैं उसके बारे में। तीन इंजीनियर थे, वो उन्हें सऊदी अरबिया भेज दिया गया और कहा गया आपको जॉब मिलेगी आपको। वो तीनों वहाँ पहुँचे इंजीनियर, खूब वो बोलते बहुत थे, पहुँचे। उसके बाद में उनसे कुछ गलती हो गई तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा इनको तीनों सालों को मारो, जान से मार दो, इनसे गलती हो गई। तो उस समय जो पनिश कर रहा था तो कहा पनिश कर सकी जाएगा, कहा इन्हें आप जो एक हम देंगे मशीन देंगे, वो मशीन नाचेगी और उनका गला बीच में रखा जाएगा और मशीन आएगी उन्हें गदा गले को काट देगी ऐसे, तो ये पनिश दी जाएगी, वो मार उसने को। अब भाई तीनों स्टेप बाय स्टेप आते हैं, फर्स्ट टाइम बोलते बोलते वो लोग, वो फर्स्ट टाइम जो है लिटाए गए, और लिटाए गए वो मशीन स्टार्ट की गई, क्लिक की गई। अब मशीन स्टार्ट की गई वो धीमे धीमे पहिया नाच रहा है, कुर कुर पहिया नाच रहा है। जब उस इंजीनियर के पास में गले पर पहुँचा तो उसी टाइम पहिया रुक गया। तो अब रुक गया तो वो जो था राजा वहाँ का, जो प्रिंस था, उसने कहा शाह अल्लाह की मर्ज़ी है इसके अंदर कि वो हमसे मारने वाले थे, ये मरा नहीं, इसको माफ़ कर दिया गया, इसको अल्लाह पाक ने बचा लिया है, ठीक है अब उनको छोड़ दिया गया। बोलते बहुत थे वो, देखना सुन। सेकेंड फ्लिक लग गया, उसकी बारी आई, फिर पहिया क्लिक किया गया, फिर वो नाच रहा है किर किर किर, अब उस गले के पास आया और उसके बाद रुक गई, कहता है अल्लाह की इसकी मर्ज़ी, अल्लाह पाक इसको ही बचाना है, तो उसको भी बख्श दिया गया, अल्लाह की मर्ज़ी है। थर्ड जो है वो बोलता बहुत था, उसने कहा क्या यार बात कर रहे हो, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी। सही मानो बहुत ऐसे देख रहे थे कि इसका स्क्रू ढीला है इस मशीन का, वो जब यहाँ तक पहुँचता है तो अपने आप मशीन जाम हो जाती है। आप कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, ठीक है। अब वो कह रहा वो स्क्रू कस दिया गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर उनका आया, अब की वो किरकिर बोला नहीं बल्कि कदर की कट गई, ठीक है। ये हुआ ओवर बोलने से नतीजा, ठीक है। ऐसे वो ओवर बहुत बोलते थे तो बदनाम हुए बहुत, ओवर मतलब एडिसन ओवर खूब बोल रहे थे कि क्लास में ये कैसे होता, वो कैसे होता है, मतलब नई बात, मतलब इतने क्वेश्चन जो क्वेश्चन से फंस जाए, ये गोरा क्यों है, गोरा होता क्या है, गोरा बनता कैसे, अरे बनता कैसे तो फंसे, ठीक है। गोरा कहाँ से आया, गोरा कहाँ जाएगा, अब ये सब बातें कहाँ बीच में आ रही है। तो अब वो उसकी जो बातें थी वो टीचर्स, उसने मतलब बहुत परेशान जो तुम समझ रहे, वो जो बंद बुद्धि का था, तो उसने कहा, उसने एक लेटर दिया उसकी माँ को दिया, उसकी जब माँ ने पढ़ा, उसकी माँ ने कुछ आंसू बहाए और कहा मम्मी क्या लिखा है इसके अंदर, इंग्लिश में लिखा हुआ था, जिस जिस लैंग्वेज में लिखा होगा,
तो कहा इतना अच्छा लिखा आपके बारे में कि बेटा आप इतने स्मार्ट हैं, इतना पढ़ने में तेज़ है कि मेरे पास स्टाफ भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है इसको जो आपके बच्चे को पढ़ा पाए, तो ये इतना अच्छा इसमें लिखा हुआ है। तो उसकी मम्मी ने पढ़ाया, क्योंकि जब किसी का बेटा हैंडीकैप होता है, विकलांग होता है या बदशक्ल होता है, तो उसकी मम्मी उसको प्यार करती है, क्योंकि बाकी लोग नज़रअंदाज करते हैं आमतौर पर, बाकी लोग तरस खाते हैं इसके ऊपर हैं, लेकिन माँ बाप उसको मोहब्बत करते हैं, वही उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होते हैं। तो उसकी मम्मी ने उसको ऑपरेट किया। जब उसकी मम्मी ख़त्म हो जाती है, तब तक ये अच्छा आविष्कार बच चुका होता है, तभी जब सफाई करता है तो उसको अपनी मम्मी का लेटर्स मिलता है, जो अगर जानती हैं और जानते भी हैं आप इसको, कि वो पढ़ता है और रोना उसको आता है कि मेरी माँ ने जस्ट निगेटिव पढ़ा, अगर वो निगेटिव नहीं पढ़ती तो जो मैं पागल था, जो मैं मंद बुद्धि का था, वो मैं ठीक नहीं हो पाता। मेरे पास में जो आया, मैं नाम भी ले रहा हूँ, शायद मेरी वीडियोस तक पहुँचे, ईश्वर करे पहुँचे, मैं एक नाम ले रहा हूँ, पानी की टंकी यहाँ बनी है अपने पास में। यहाँ एक राकेश मिश्रा हमारे मित्र हैं, पंडित जी हमारे हैं राकेश मिश्रा आदरणीय, वो सुन रहे होंगे मैं वीडियो। उनका बेटा कपिल मिश्रा हमारे पास से पढ़ता था, उन्होंने कहा आयान जानते हैं, बहुत बेहतर से जानते हैं। कपिल मिश्रा एक हर वक्त पैर हिलाने वाले बच्चे थे हमारे, पैर हिलाने वाले, पैर हिला रहे हैं लगातार, वो किताब को सिर्फ देखते थे खाली। तो मैंने उनसे कहा था किताब में क्या लिखा है, वो पन्ना भी काला हो गया था, पन्ना इतनी ज़बरदस्त दिखा गया, इतना महीनों दिखा गया कि वो पन्ना भी काला पड़ गया। हमने कहा मुझे खुद नहीं पता कौन सा अक्षर कहाँ लिखा होगा, पर आपको इतना अच्छा किताब का पन्ना देखा है कि सारे अक्षर साफ साफ तुमको देख लिए होंगे, कहीं पढ़ता ही नहीं तब इस किताब को देख रहा था। तो उसको उसके पापा को बुलाया, उसने कहा कुछ गुस्सैल है, इसको दौरा पड़ता है, हमने कहा ऐसा बच्चा है तो कहीं मेरे कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहा उसके लिए हम ही ज़िम्मेदार हैं और सब तमाम उसने ऐसा करा। फिर उसने हमने इसको फिर ट्रेन कैसे किया, उसको प्यार समझाया, उसको मैंने कुछ भी याद नहीं कर पाया उसको, मैंने जो हम बैठ गए हम उसको ठीक करे बैठे हैं। आरओ पैसे कमा रहा है, उसका नाम नहीं लिया था मैं कल, मैंने उसका आरओ पैसे कमा रहा है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, उसने मुझे बताया कहाँ जॉब कर रहा है, ये फेसबुक पर भी वो है बच्चा। तो वो बच्चे को मैंने धीमे धीमे उसको से सिखाया, उससे खाली बातें करी, फिर मेरे पास रात दिन वो रहा, उसने खाना भी मेरे साथ में कपिल मिश्रा ने मैं खाना खाया है, मेरी कुछ शादियों भाइयों की हुई थी उसने फ़ोटो भी उसकी है। तो कपिल मिश्रा एक वेल ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड नहीं है, हरदोई से पास है वहाँ से जगल से, उसके पापा पैसे वाले थे तो उसने बिना जाए वाला उसको पास करवा दिया, क्योंकि वो उसको याद नहीं हो पा रहा था उसको, तो वो वेल ट्रेंड है, आज वो कंप्यूटर पर ऐसे टाइप कर लेता है, सेम वैसे ही बना देगा उसको, लेकिन उसका क्या अर्थ बन रहा, कैसे बन रहा, उसका मतलब क्या, वो उसे ना पूछो। तो मेन जो होती है मंद बुद्धि आता, कि हम लोग के बीच में बहुत से लोग होते हैं वो या तो किसी ज़िंदगी की हताश हो जाते हैं, सोचते हैं अब मुझे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं एक बच्ची से बात करता हूँ, मुझसे उसका नाम नहीं लेंगे, उससे उसका सुन रही हूँ अच्छी बात है, मुझसे कहती है सर मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैंने कहा मैं आपसे बदतर हूँ, मैं ही बहुत कमज़ोर हूँ, बस मुझे स्टोर हो जाता है, हम बस कुछ भूलते नहीं। वैसे मैं अपने बारे में बोलता हूँ, भूलने की बात मैं कहूँ कि मुझे, मैं ऐसे बोलता हूँ हालांकि मुझे याद नहीं है, मैं कहता हूँ मुझे छट्टी भी मुझे अपनी याद है, जो छट्टी नहीं होती है छठी इसको बोलते हैं, हालांकि मुझे याद नहीं है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मुझे जो याददाश्त है कि आपको हर चीज़ याद, क्योंकि हम स्टोर कर लेते हैं हर चीज़ को, हम कुछ भूलते नहीं, ठीक है ना, मुझे हर चीज़ याद रहता है शुक्र का। इसलिए जो है जो लोग मंद बुद्धि की बात करते हैं कि हमसे औरों से कम है, तो वो अपने आप को दूसरों को देखें कि हमारे पीछे कैसे लोग रह चुके हैं और वो लोग कितनी स्मार्टनेस से आगे बढ़ गए। हम लोग कोई मंद बुद्धि नहीं होते हैं, हम लोग कोई कमज़ोर नहीं होते हैं, हम लोग सभी लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बस हम लोग के बस ये अंदर की जो आत्मा है ना, ये जो रूह है हम लोग की, वो जाग नहीं पा रही होती है। कैसे शर्म का लिहाज हम सबके बीच में होता है, हमको भी शर्म आती है, सोचेंगे अगर बोलेंगे शायद कुछ गड़बड़ ना बोल जाएं, कहीं कुछ वैसे ना हो जाए, लेकिन हिम्मत कर यार मुझे बोलना है, मुझे सच बोलना है यार, तो अपने आप सही लफ्ज़ निकल जाएंगे। इसलिए आप लोगों में जो ये है मंद बुद्धि वाला, या हम लोग में डिप्रेशन रहता, तनाव सा रहता है, या हम लोगों में हेजिटेशन रहती है कि हम नहीं बोल पाएंगे, सर खाली सुन पाएंगे, सर आप पढ़ा दो, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दो लफ्ज़ बयान नहीं कर पाऊँगा, तो इससे बाहर निकलें, एडिसन के मामले से भी आपको देख करके बाहर निकलें। मेरे पास के भी और डैमो मेरे पास में भी और हैं, मैंने कहा बोलने के कितने अच्छे हुनर होते हैं, ज़माना बोलने वालों का है। फिरदौस कंप्यूटर से जो भी जॉब पाओगे आप लोग, तो वो प्राइवेट जॉब मिलेगी, प्राइवेट जॉब तो हम तो गवर्नमेंट जॉब दिलवाते नहीं, न हम दिलवा पाएंगे,
उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, एग्ज़ाम बीट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। उसके भी कई पड़ाव होते हैं, आप शायद में वीडियो देखा नहीं होगा कि वीडियो से कितने पड़ाव होते हैं इसके, हैं पता है कितने पड़ाव होते हैं है? मेरे सारी वीडियो का नाम बकवास है मेरा, आप ये वीडियोज़ देखते ही नहीं हैं, आप देखना अलग सिखा दे रहे हैं, ये वीडियो से मतलब मेरा नहीं रहेगा कि नौकरी के 7 स्टेप होती हैं, ये आप जान लो आज से। हमको अगर जॉब पानी सरकारी वाली कौन सी स्टेप होती है कि पहले फार्म भरते हैं एक स्टेप, दूसरी स्टेप फार्म के बाद एग्ज़ाम होता है दो स्टेप, एग्ज़ाम के बाद परिणाम आता है 3 स्टेप, ठीक है, परिणाम के बाद काउंसलिंग करते हैं कि किसके नंबर अच्छे आए किसके नंबर ख़राब आए, ये चौथी स्टेप। उसके बाद पांचवी स्टेप है कि काउंसलिंग के बाद में कहते हैं आपका चयन हो गया, काउंसलिंग करना और चयन करना बराबर है, आप कहें आपका चयन हो गया, उसके बाद फिर प्रशिक्षण देता है उसको पहले, और इससे पहले होता है इंटरव्यू होता है, प्रशिक्षण से पहले इंटरव्यू होता है, तो ये पांचवी स्टेप। छठी स्टेप हो गया कि आपको नियुक्ति मिल गई और नियुक्ति के बाद में आप कार्यभार सौंपना होता है कि अब आप कल से काम करिए, तो कार्यभार सौंपना अलग हो गया, नियुक्ति करना अलग हो गया और ट्रेनिंग देना अलग हो गया। ट्रेनिंग के बारे में पढ़ाए थे मैंने, इसके बारे में कि ट्रेनिंग होती है कि कभी भी अगर आप लोगों को आप अपनी गति दें, जैसे हम कल कहें कल हम इस पर नहीं बैठेंगे, कल हम बाहर जा रहे हैं, इसको शिवा हमारी गद्दी को संभालें, मान लें बैठें, तो जिस टाइम तुम ये गद्दी बैठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किसको क्या पढ़ाना है, किसका क्या नाम है, मेरी गद्दी ऐसी है, किस बच्चे को क्या ऑपरेट करना है, ये कुछ पता नहीं आपको है, उसका नाम क्या नहीं पता आपको, तो पहले आपको ट्रेनिंग देंगे इस बच्चे से ऐसे बोलना है, ठीक है ना। तो ये कुर्सी, हर कुर्सी, अगर अभी आप कितनी अच्छी भी चाय बना लेती होगी, तूबा से उम्मीद मुझे बहुत है कि तूबा चाय अच्छी बना लेती होंगी, लेकिन तूबा वेल ट्रेंड चाय एक्सपर्ट होंगी मान लिया, लेकिन तूबा अगर मेरे यहाँ जाए किचन के अंदर चाय बना नहीं पाएंगी मेरे ख्याल से, क्यों नहीं, जब ये वहाँ जाएंगी अंदर किचन में, इन्हें पता नहीं कि चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई, इन्हें पता नहीं होगा कि शक्कर कहाँ पर रखी होगी, इनको पता नहीं होगा कि जो चाय का जो बॉल नहीं होता है वो कहाँ रखा है, इन्हें पता नहीं होगा किस नल भी 3 तरह के लगे हुए हैं, कौन से नल से पानी निकालना है चाय के लिए, इन्हें नहीं पता होगा, इनको बताएंगे कि किस नल से पानी निकालो और बॉल कहाँ रखा है, तो पहले ट्रेनिंग देंगे उसके बाद ही अपने आप पका लेंगे, बना लेंगे उसको, ठीक है ना। तो इनको भी ट्रेनिंग मांगता है, ठीक है। कभी लोग आते हैं मुझसे, सर मुझे बाथरूम जाना है, और फुल एक्सपर्ट बाथरूम जाने के होते हैं, ठीक है, पूछते सर बाथरूम कहाँ बना सर, तो बिना ट्रेनिंग के दिए सर बाथरूम में ये लेफ्ट मोड़ना राइट मोड़ना और फिर डायरेक्ट मोड़ना रिक्शा करना फिर बाथरूम मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमको हर जगह ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए फिरदौस कंप्यूटर एजुकेशन जो स्टार्ट चल रहा है ये ट्रेनिंग सेंटर हमारा है, तो हम लोग यहाँ ट्रेंड होते हैं ना कि एकेडमी पर बनते हैं, और ट्रेनिंग वाले ही एक्सपर्ट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि आप 10 मिनट में एक्स्ट्रा हो गए हैं, थैंक यू, देखते रहिए।